जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर डी प्रिंस पे। तो साथियों, CITS एडमिशन 2023 या CTI एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ चुके हैं, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। साथियों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें कि CITS या CTI जो भी कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो भी NSTI ITOTs के कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लगभग 1570 बच्चे पिछले साल जो एडमिशन लिए थे उसके यहाँ पे बच्चे हैं, और इस बार भी आप लोग जो एडमिशन लेने चाहते हैं वो इस ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ सभी प्रकार का आपको हेल्प मिलता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ CITS के कैंडिडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये एक नोटिस जारी किया गया था पेपर में, जैसे कि आप देख पाइएगा एडमिशन नोटिस 2023-24 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप लोगों का जो ये फॉर्म जो फिलअप है, ठीक है, ये क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है nimionlineadmission.in के वेबसाइट पे, 1/6 से आप लोग जो है आवेदन कर पाइएगा 1 जून से, और 17 जून तक, मतलब महज 17 दिन का वक्त होता है इसमें, जो है कम ही समय के लिए फॉर्म फिलअप करने का वक्त दिया जाता है। तो 1 जून से लेकर 17 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, और आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा 8/7/2023 को, 8 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप कोई भी NSTI या ITOTs जो प्राइवेट जो CITS कॉलेज होता है उसमें आप एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं। इस बात का बिल्कुल आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि बिना CITS का एंट्रेंस एग्जाम दिए, जो कि 8/7/2023 को होगा, बिना दिए आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा, और ITI अनुदेशक बनने का जो सपना है वो शायद अधूरा रहेगा बिना इसके दिए, ठीक है। क्योंकि आप जब तक इसमें एंट्रेंस नहीं दीजिएगा तब तक आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता है कोई भी ITOTs में या फिर NSTIs में, ठीक है। तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पे चलिए पूरा डिटेल्स आपको बता दें, ये हमारा वेबसाइट है jacktimes.com, और यहाँ पे आपको आना है, देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ITI एंड CITS न्यू अपडेट्स वाले सेक्शंस पे, यहाँ पे जैसे आइएगा आपको तमाम जो इस बार जो अपडेट्स होंगे सभी का अपडेट्स पहले आप लोगों को दिया जा चुका है। देखिए CITS एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-24, और यहाँ पे फीस, चाहे एलिजिबिलिटी या फिर जो है पैटर्न, एज, डिटेल्स, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट निमी एडमिशन जो onlineadmission.in। यहाँ पे देखिए अपडेट ऑन 2023 CITS एडमिशन विल बी अवेलेबल शॉर्टली, यहाँ पे शॉर्टली अभी लिखा जा रहा है, बट ये जल्द ही 1 तारीख को आप लोगों को यहाँ पे अपडेट्स मिल जाने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या होता है। एलिजिबिलिटी देखिए क्या होता है, तो आपने अगर ITI कर रखा तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, डिप्लोमा किए हुए तो भी, या फिर डिग्री किए हुए हैं, BTech वगैरह किए हैं तो भी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस देखिए यहाँ पे कितना लगने वाला है, 500 रुपये लगेगा। ST, SC, PH, EWS वुमेंस कैंडिडेट्स को 300 रुपये लगेगा, ठीक है, जनरल OBC को 500 रुपये लगेगा। आप जो है फीस जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज जो है वो 14 साल रखा गया, और अपर एज लिमिट कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी एज में आप इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न भी आपको यहाँ बता दें, तो 2 घंटे का पेपर होगा ये आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम, जो कि 8/7 को होने वाला है। उसमें 75 क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो ट्रेड है, जैसे ITI मान इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपका है, आपने इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई किया है तो आपको इलेक्ट्रीशियन से 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आप कोई डिप्लोमा कैंडिडेट्स है और वो इलेक्ट्रीशियन लेना चाह रहा है, चाहे मान लीजिए वायरमैन लेना चाह रहा है, तो उसको ITI लेवल का ही क्वेश्चन मिलेगा। डिप्लोमा कैंडिडेट्स को भी ITI लेवल का ही क्वेश्चन यहाँ पे 75 देखने को मिलेंगे। और 25 क्वेश्चन जो आप लोगों को एप्टीट्यूड से रहेगा, जिसमें कि आप लोगों का रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है और मैथ का कुछ क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहता है। चैनल पे हमारा जो है जो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें आप लोग देखिएगा एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नीचे आप लोग बढ़िएगा ना यहाँ पे, तो CITS एडमिशन ऑल वीडियोज़ इस वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। टोटल 236 वीडियोज़ देख लीजिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो पिछले साल हुआ है, उसके पहले हुआ है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर NSTI कॉलेजेस का हाल, वहाँ पे हॉस्टल वगैरह फैसिलिटीज़, सभी कुछ आप इसमें आप सर्च कर पाइएगा। CITS एग्ज़ाम जो होता है, NCVT का फाइनल एग्ज़ाम, उस पर रिव्यू, एग्जामिनेशन कैसा होता है, कैसे होता है, सभी कुछ यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा। ट्रांसफ़र का बात हो, या फिर जो है आप लोग का एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, या फिर आप लोगों क्लासेस भी मैंने यहाँ पे लिए थे पिछले साल, जो
क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी हमने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का भी यहाँ पे डिटेल्स मतलब वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट खोल लिए, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को सभी अपडेट मतलब कि सभी चीज़ें वहाँ पता चल जाएंगी कि क्या आप लोग के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा वो उसका वीडियो आपको निश्चित मिलेगा। CITS का देखिए यहाँ पे अभी अभी हो सकता है कि इस एग्जाम सेंटर्स में कुछ और बदलाव हो जाए, फिलहाल के लिए 28 टोटल ये सेंटर्स है जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पिछले बार, अभी इस बार हो सकता है कुछ और सेंटर्स बढ़े तो बढ़े। और कट ऑफ देखिए मिनिमम कट ऑफ जो है 100 मार्क्स में आप लोगों का 33 नंबर जनरल के लिए और OBC नॉन क्रीमी लेयर जनरल EWS के लिए 29 और STSC PH का 20 नंबर। काउंसलिंग फीस के बारे में तो आपको बताएं वो फॉर्म का फीस 500 रुपया, ठीक है, काउंसलिंग जब आपका होगा तो 1000 रुपया को देना होगा जो कि आपका फीस स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज काउंसलिंग होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग भी होता है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी लगभग, और जो भी और भी अपडेट्स इसमें आप लोगों को मैं देता रहूँगा टाइम टू टाइम, यहाँ पे नीचे बढ़िएगा तो कुछ डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैसे फॉर्म फिलअप पिछले बार किया गया था उसको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप चेकआउट कर पाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्लिक हेयर इस सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। तैयारी कैसे करें यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन फिलहाल आने दीजिए, 1 तारीख को अपडेट कर देंगे यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में। फुल प्लेलिस्ट आप चेकआउट करना चाहते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ये जो था प्लेलिस्ट इसमें कि लगभग 236 वीडियोस हैं, हर डाउट का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट इस यहाँ पे क्लिक करके। टेलीग्राम ग्रुप का आपको जो है यहाँ पे आप क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। निमी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये था, यहाँ पे भी आपको सभी अपडेट्स यहाँ ही मिलते हैं, इसी के यहाँ पे इंफॉर्मेशन आने के बाद हम लोग अपडेट दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं पूरी चीज़ें समझ में आई होगी, तो आप लोग से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।